हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हो। आज मैं आपके लिए साड़ी से कैसे आप अपना लहंगा बना सकते हैं या लॉन्ग स्कर्ट बना सकते हैं और अपने दुपट्टे को कैसे उस पर अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने अपना लोअर पहन रखा है और इस पर मैंने टॉप पहन रखा है। टॉप को मैंने क्रॉप टॉप कर रखा है और मैं इस पर अब बैंड को अच्छे से मैंने नॉट बांध दिया है। अब मैं इस पर, जैसे आप साड़ी पहनते हैं नॉर्मली, आप इसे चाहें तो अपने पेटीकोट या किसी लॉन्ग स्कर्ट पे भी पहन सकते हैं। बस वो टक करने का एरिया जो है वो बहुत अच्छे से टाइट होना चाहिए कि साड़ी आपकी लूज ना हो, नीचे गिरे ना। तो इसे हम अच्छे से टक कर लेंगे, जैसे आप अपने रेगुलर साड़ी में करते हैं। पूरा एक राउंड ले लेंगे और हम उसमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने पूरा इसमें राउंड ले लिया है। आप अपने किसी भी साड़ी से, चाहे वो सिंपल हो या कलरफुल हो, बनारसी हो, सिल्क हो, कॉटन का हो, किसी भी तरीके की साड़ी हो, चाहे वो सिमर साड़ी हो, उस पर अच्छे से आप अपना लॉन्ग स्कर्ट या लहंगा जो भी कहें वो बना सकते हैं। अगर आप अपनी बहुत हैवी साड़ी से भी बनाएं तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि साड़ी हैवी पहनने में प्रॉब्लम होता है, बट उसका लॉन्ग स्कर्ट अगर हम बना लेते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है और वो यूज़ भी हो जाती है, वरना वो बेसिकली अलमारी में ही रखी रह जाती है दादा। तो हम ऐसे अपना लॉन्ग स्कर्ट बना लेंगे या लहंगा है उसे बना लेंगे और हम इसे अच्छे से टक करेंगे। वन बाय वन प्लेट्स बनाएंगे और उसको अच्छे से टक करते जाएंगे। वन बाय वन प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स को बहुत क्लोज रखेंगे, एक दूसरे पर ज़्यादा दूर दूर नहीं रखेंगे, वरना वो कलियों की तरह खिल के घेर नहीं मिलेगा हमें। तो हम ऐसे, क्योंकि साड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसे अच्छे से अपने प्लेट्स को पास पास रख सकते हैं और अच्छे से इसे बना लेंगे। क्योंकि आप प्लेट्स बनाइए और टक करते जाइए, वो एक ही साथ जो बहुत सारे प्लेट्स बना लेते हैं और फिर उसको चारों तरफ से इक्वल लाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस रख के बहुत ही धीरे धीरे उसको चारों तरफ सेम प्लेट्स डालनी पड़ती है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और काफ़ी पेशेंस रख के एक एक प्लेट उठा के चारों तरफ घुमाने से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप एक कॉर्नर से शुरू करें, फिर उसी कॉर्नर पे पीछे से प्लेट्स टक करते करते आप इसे राउंड ले लीजिए। प्लेट्स टक सारे एक ही, मतलब फ्लो टच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए अच्छे से। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा गैपिंग कम ज़्यादा भी ऐसे कर सकते हैं कि एक थोड़ा ज़्यादा है या एक थोड़ा कम है, बस फ्लो टच होना चाहिए, नॉर्मली इक्वल्स ही होना चाहिए फ्लो टच। अगर आप हील पहनना चाहते हैं तो आप हील पहन लीजिए और फिर से टक करते जाइए, या आप अगर फ्लैट्स वगैरह पहनते हैं तो उसके हिसाब से आप फ्लोर टच कर लीजिए। इसको आप ऐसे टक करते जाएंगे, प्लेट्स पे बहुत ज़्यादा पास पास है ये, टक करते जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप देखना कि कितना अच्छे से एक एक कलियाँ आपको इस पर, एक एक प्लेट्स अच्छे से दिखाई देगी। इसको हम पूरा ऐसे ले लेंगे और इसको टक कर देंगे, आराम से देखते देखते इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो इस पे अपना कोई भी टॉप या शर्ट को नॉट बांध के भी पहन सकते हैं, इससे आपका एक इंडो वेस्टर्न लुक आ जाएगा, मॉडर्न सा रहेगा, थोड़ा ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक दोनों मिलके हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से आप इसे अपने प्रिटी से, जो आपका टॉप है, चाहे वो फुल स्लीव्स हो, हाफ हो, बैकलेस हो, स्लीवलेस हो, आप किसी भी तरह का टॉप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो टॉप या वो शर्ट आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये मेरा टॉप है जिसे मैंने रबर से फोल्ड करके ऐसे अभी बना रखा है कमर के लिए। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं, या थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, या इतना भी रख सकते हैं, या तो बिल्कुल ब्लाउज़ के जितना भी आप इसे रख सकते हैं। इसे अंदर अपना टक कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए अपने टॉप को, या अपने, या नॉट बांध लीजिए बिना फोल्ड किए तो टाइटली, और ये तैयार हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। वरना आप अपने ब्लाउज या लहंगे की चोली किसी भी को यूज़ कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबली लगे। इसको हमने यहाँ तक टक कर लिया है, अब बचे हुए को हम ऐसी प्लेट्स बना लेंगे, पीछे भी टक कर लेंगे सेम टू सेम। ये खुद भी पीछे से टक हो जाता है, साड़ी एक एक करके चले जाते हैं, और अगर आपसे नहीं हो तो आप अपने घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, मम्मी की या बहन की हेल्प ले सकते हैं आप, वैसे ये खुद भी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। प्लेट्स बनाइए और आप इसे टक करते जाइए,
बट सब इक्वल होना चाहिए। ये तो टक करते जाइए, राउंड राउंड घूमते जाइए और टक करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिए और इसमें टक करते जाइए। ये बस दो तीन प्लेट्स पीछे और बन जाएंगे, देखिए कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इसमें कितना प्यारा लग रहा है, एक एक आपको प्लेट्स दिखाई दे रही है इक्वली। ये देखिए कितना प्यारा प्लेट्स आपको दिखाई दे रहा है इक्वली। ये बहुत डार्क मरून कलर की साड़ी है, तो लाइटिंग पड़ के थोड़ा सा कैमरे में हो जाता है कि थोड़ा साड़ी या किसी चीज़ का कलर थोड़ा 19-20 भी हो जाता है, वरना ये नेचुरली इससे ज़्यादा खूबसूरत कलियाँ इसमें दिखाई दे रही है बिल्कुल एक एक प्लेट्स। ये कितना प्यारा, नीचे देखिए कितना अच्छे से एक एक प्लेट्स दिखाई दे रही है, ऐसे ही ऊपर भी दिख रहा है। और ये स्कर्ट ना कभी ख़राब नहीं होती, इसका ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ये आप कितना भी घूम लीजिए कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने इसे खुद कितने बार कैरी किया है शादी फंक्शन पे भी। किसी भी साड़ी का स्कर्ट बना के आप इसे पूरा अच्छे से मतलब देखिए घूम लीजिए, स्पीड से घूम लीजिए, फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। अभी मैं आपको इसको अच्छे से और ऐसे करके दिखाऊंगी। पूरी प्लेट्स अभी देखो बिखर गई है, अभी देखो छोड़ दिया है मैंने, तो ये फिर वही इसकी जो प्लेट्स है, इसका जो स्कर्ट का जो शेप है एरिया है वो वापस वैसे ही हो जाता है, चाहे आप कितना भी घूम लीजिए इसे बिगाड़ लीजिए, ये वापस ऐसे ही हो जाती है सेम टू सेम। ये इसका मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है। देखिए कंप्लीट हो चुका है आपका स्कर्ट। आप चाहे तो इसे अपने टॉप टी शर्ट या ऐसे भी किसी शर्ट को फोल्ड करके इंडो वेस्टर्न लुक ले सकते हैं। आजकल तो पार्टीज में बहुत चलता है ऐसे बनारसी या किसी भी टाइप का ऐसे किसी भी साड़ी से ऐसे स्कर्ट बना के या किसी भी टॉप पे पहनो, बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपके पास ब्राइडल चुन्नियाँ रहती है दो तीन, दो घर पे पड़ी दो तीन, या आप जितने भी लहंगे खरीदते हैं उसकी जो उसका जो दुपट्टा रहता है वो ऐसे ही ज़्यादातर पड़ा रहता है, जब तक आप लहंगा यूज़ नहीं करते दुपट्टा भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने ऐसे एक लुक ले सकते हैं। नीचे किसी भी साड़ी से लहंगा बना लीजिए, किसी भी साड़ी से, आपके पास कोई भी साड़ी हो किसी भी साड़ी से बनाना है उसको आप ऐसे बना लीजिए स्कर्ट, और उस पर दुपट्टा ले लीजिए कोई सा भी। आप चाहें तो हल्के भी दुपट्टे ले सकते हैं जो सूट वगैरह के होते हैं, या कोई अच्छा सा जो शॉल होता है अलग से दुपट्टे की तरह जो लगे, या कोई स्टॉल हो लॉन्ग आपका वर्क वाला या सिंपल टाइप में, तो कैसा भी लुक कर सकते हैं। आजकल तो हर कुछ फैशन और ट्रेंड में होता है। ये देखिए टॉप पे भी कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने कोई भी ज्वेलरी, चाहे ट्रेडिशनल ज्वेलरीज हो या फैंसी ज्वेलरीज हो, किसी भी टाइप की माला हो लॉन्ग या कुछ भी, आप इस पर कैरी कर सकते हैं। रिंग्स वगैरह या चोकर सेट, कमरबंद, कुछ भी आप इस पर कैरी कर सकते हैं। ये कितना प्रिटी लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। ईजिली हो जाता है फटाफट, आपको ये सोचने जरूरत नहीं कि शादी आ रही है अब क्या पहने, क्या पार्टी में पहन के जाएं, आप फटाफट इसे कैरी कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड लुक है साड़ी की तरह इसको बना के। ये दुपट्टा है, हम इसको ऐसे एक राउंड घुमाएंगे और इसे अपने कमर पे ला के एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। एक सेफ्टी पिन यहाँ पे दुपट्टे के बॉर्डर में लगेगा और एक सेफ्टी पिन शोल्डर पे लगेगा, बस सिर्फ इसमें दो ही सेफ्टी पिन लग रहे हैं। हम इसको साड़ी की तरह ले लेंगे। देखिए इतना प्यारा लुक आता है, बिल्कुल नेट का दुपट्टा होता है। आप बहुत ही मतलब तीन अलग अलग डिफरेंट कलर भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, मतलब टॉप पे कुछ और ऐसे स्कर्ट आप किसी और चीज़ की बना के, और दुपट्टे का कलर कोई और, ऐसे आप तीन अलग डिफरेंट कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और चाहे तो सब कुछ सेम भी ले सकते हैं या एक अलग भी रख सकते हैं। आप ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इससे क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं वो रीयूज होते जाएंगे, आपको उनसे एक अलग और एक अच्छा बेहतरीन लुक भी मिलते रहेगा। आपको अपने पैसे भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी अपने हर ड्रेस या हर पार्टीज के लिए। जिस साड़ी से आप बोर हो चुके हैं उससे भी एक अच्छा सा आप स्कर्ट बना के उसे अलग तरीके से पहन सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लगता है। इस पर आप अपना किसी भी अपने कोई भी पसंद की ज्वेलरीज पहने, चूड़ियाँ, अपने बैंगल्स कुछ भी डालें, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कितना प्रिटी लग रहा है। ये नेट का होता है तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है उससे भी। आप अगर
पल्लू रखते हैं सर पे, तो आप अपने इन सभी लुक में सर पे पल्लू रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक सेफ्टी पिन आप यहाँ पे लगा के, तो इसमें फिर तीन सेफ्टी पिन हो जाएगा, एक आप इस बॉर्डर से लगाएंगे, एक पहले लगा चुके हो और एक शोल्डर पे, तीन सेफ्टी पिन लगेंगे इसमें। ये भी लुक बहुत प्रिटी लगता है, बॉर्डर टू बॉर्डर दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई लहंगा पहना हुआ है, क्योंकि लहंगे इतना ज़्यादा नहीं लेता, थोड़े बहुत ही खरीदता है। साड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम अपनी किसी भी साड़ियों से ऐसा लहंगा लुक कैरी कर सकते हैं। दुपट्टे भी घर पे होते हैं सूट के या लहंगे वगैरह के, तो ऐसे आप अपना बहुत ही प्रिटी लुक कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिटी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसे एक अच्छा अच्छा डिफरेंट लुक कैरी कीजिए अपने दुपट्टे से, अपने साड़ियों से, अपने टॉप से, अप टी शर्ट शर्ट से, अच्छे अच्छे लुक्स कैरी आप कर सकते हैं, यानी कि आपको हर बार हर पार्टी के लिए लेना हो। ये थर्ड लुक है, ये आप अच्छे से जो आपने इसे रखा हुआ है उसको आप साइड से दूसरे शोल्डर पे ले आएंगे। मैंने इसमें अभी कोई सेफ्टी पिन नहीं लगा रखा, सिर्फ एक ही लगा रखा है जो कमर के पास बॉर्डर में लगा हुआ है बस। ये आप ऐसे एक इस शोल्डर पे लगा सकते हैं, राइट पे, एक लेफ्ट पे लगा सकते हैं, और आप चाहें तो अपने ये हाथ पे दोनों बॉर्डर को मिला के एक सेफ्टी पिन वहाँ लगा लीजिए। अगर आपको उसमें बैंगल्स वगैरह या कुछ भी उस हाथ में नहीं पहनना है, तो आप ऐसे करके उस पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा और आप दूसरे पे पहन सकते हैं। तो हम अच्छे से देखिए कितना बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें भी अगर चाहें अपने सर पे आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। मैंने उधर सेफ्टी पिन नहीं लगा रखा, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, सेफ्टी पिन लगेगा तो वो ऐसा नहीं लगेगा, वो शोल्डर से चिपक सा जाएगा। अभी नहीं लगा रखा मैंने सेफ्टी पिन वहाँ पे। देखिए बहुत ही अच्छा लुक लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना प्यारा लुक है और कंफर्टेबल भी है, इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं लगेगा आपको। ये फोर्थ लुक है, आप उसको शोल्डर से हटा के अगर आप सिर्फ अपने हैंड पे रखते हैं तो एक अच्छा सा लुक मिलता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें सिर्फ दो ही सेफ्टी पिन लगेगा, एक वहाँ और एक कमर के पास जो बॉर्डर में लगा रखा है बस। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हम नए हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप अपनी साड़ियों से दूसरे दुपट्टे वगैरह से ऐसा लुक ज़रूर कैरी कीजिए। एक तो आपके आपका फिजूल खर्ची नहीं होगा और आपके कपड़ों से ही आपका बहुत ही अच्छा लुक आएगा, अलग से बिल्कुल निखर के। फिफ्थ लुक है बंगाली टाइप में, बहुत ही प्रिटी लगता है ये भी। तो कुछ भी नहीं करना, बस इसको एक सेफ्टी पिन से यहाँ पे आप जो भी टॉप वगैरह या शर्ट या कुछ भी आप ब्लाउज़ वगैरह पहन रहे हैं तो उसको बस ऐसे अटैच करिए। देखिए तुरंत हो गया ये, बस आपको ऐसे ही करना है, एक ही शोल्डर पे एक इधर की तरफ लगेगा, दो पिन है और एक कमर के पास बॉर्डर में लगा हुआ है, तीन पिन है। और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी आप एक बहुत ही प्यारा लुक ले लेते हैं। अपनी सारी एक्सेसरीज पहन लीजिए, बाल खोल के रखिए, या कोई अच्छी सी चोटी बना लीजिए या फिर बन बना लीजिए, कुछ भी आप इस पर हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर्स वगैरह, हाई हील्स, कुछ भी आप इस पर कैरी कर सकते हो। ये सिक्स लुक है, कितना अच्छा लग रहा है। ये आप यहाँ से सेफ्टी पिन निकाल के, यहाँ सेफ्टी पिन से आप रिमूव कर दीजिए और इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए और इसको अच्छे से आप लेके पहले शोल्डर पे रखिए, फिर पूरा इकट्ठा कीजिए। आप चाहें तो पूरा बॉर्डर टू बॉर्डर लुक भी ले सकते हैं, उसके लिए बॉर्डर टू बॉर्डर अटैच करके तीन चार पाँच आपको सेफ्टी पिन लगाने पड़ेंगे, या फिर आप चाहें तो एक दुपट्टे की तरह इसको फोल्ड कर करके वैसे भी इधर से ले सकते हैं। को अच्छे से हम अरेंज कर लेंगे, आप चाहें तो इसको ऐसे बराबर करके भी रख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा ऊंच नीचे टेढ़े मेढ़े से भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप इसे बराबर भी कर सकते हैं। ये देखिए
फटाफट हो गया, मैंने इस वीडियो को फास्ट भी नहीं किया, इतना इजीली आप फटाफट एक अच्छा सा आप लुक ले सकते हैं। तो बहुत ही इजीली हो जाता है, मैंने वीडियो को बिल्कुल फास्ट नहीं किया हुआ है, मैं आपको पूरा से कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम नए हैं तो सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।